तो जिस तरह से लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और आज जब पीएम मोदी लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए पहुंचे तो वो तस्वीर भी बहुत खास रही। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में अमित शाह लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए पहुंचे, यानी कि जो एक परिपाटी एक हिंदू संस्कृति की जो तस्वीर नजर आती है। शुभ कार्य की शुरुआत भी हम हमेशा बड़े बुजुर्गों को लेकर करते हैं, उनके आशीर्वाद से करते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो बीजेपी की नींव रखे हैं, जिन्होंने बीजेपी को सींचा है, आज इस तरह से अगर वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे। हालांकि विद्या वो तस्वीर भी याद आती है 2014 के समय में भी, जब मार्गदर्शक मंडल में मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जब गए तो इस दौरान वहां पर थोड़ी नाराजगी भी देखने को मिली और जमकर आलोचना भी की जा रही थी क्योंकि इस तरह से सीनियर्स को नजरअंदाज किया गया। कीजिए नैना, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब प्रधानमंत्री नहीं थे चुनकर, लेकिन आए थे और बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी, एनडीए को बड़ी जीत मिली थी, तब भी तस्वीर कुछ ऐसी ही थी। तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए पहुंचे थे, सबसे पहले उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। और आज देखिए एक बार फिर से तस्वीर, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उन्हें मीठा खिलाया, उन्हें गले भी लगाया, उन शुभकामनाएं भी दी।